किसान भाइयों, हर साल हमारे भारत के अंदर कई सारे किसान भाई नया ट्रैक्टर खरीदते हैं। उसमें कई सारी कंपनियां विदेशी भी है और कई कंपनियां भारत की भी है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर 2020 के अंदर कौन सी कंपनी ने कितने ट्रैक्टर बेचे, और ये जानकारी हर किसान के पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस ट्रैक्टर कंपनी को पसंद करते हैं उसकी भारत के अंदर क्या वैल्यू है, उसकी रेसेल वैल्यू क्या होगी, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे तारीख 1/4/2019 से लेकर के 31/3/2020 तक, जो कि ऑटो व्हीकल की गिनती की जाती है, स्टॉक गिनती किया जाता है, उस हिसाब से हम बात करेंगे कि कौन सी ट्रैक्टर कंपनी ने कितने ट्रैक्टर बेचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आती है फोर्स। फोर्स कंपनी ने भारत के अंदर 1/4/2019 से लेकर के 31/3/2020 तक 3,248 ट्रैक्टर को बेचा। भारत के अंदर फोर्स कंपनी ने नंबर 10 का स्थान प्राप्त किया। और अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पर आती है SDF यानी कि सैम ड्यूट्स फार। इस ट्रैक्टर कंपनी ने हाल ही में भारत के अंदर अपने कुछ ट्रैक्टर लॉन्च किए थे, जो कि इटाली की कंपनी है सैम ड्यूट्स फार। और इस ट्रैक्टर कंपनी ने कुल मिलाकर 4,102 ट्रैक्टर भारत के अंदर बेचे, जो कि फाइनल साल के अंदर, और 9 नंबर का स्थान प्राप्त किया है इस ट्रैक्टर कंपनी ने। और अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 की। नंबर 8 पर आती है VST शक्ति, जो कि मिनी ट्रैक्टर बेचने में काफी सक्सेसफुल ये कंपनी है। ज्यादातर मिनी ट्रैक्टर किसान भाई इस कंपनी के पसंद करते हैं। और इस कंपनी ने कुल मिलाकर 6,703 ट्रैक्टर भारत के अंदर बेचे, और नंबर 8 पर इस ट्रैक्टर कंपनी ने अपना स्थान प्राप्त किया। और अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो 7 पर आता है कुबोटा, जो कि जापानी कंपनी है, और इसने भी पिछले कुछ सालों में ही अपने भारत के अंदर ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जो कि जापानी कंपनी है, जापान की कंपनी है ये। और इस ट्रैक्टर कंपनी ने कुल मिलाकर 12,924 ट्रैक्टर को भारत के अंदर बेचा है, और इस कंपनी ने 7 नंबर पे अपना स्थान प्राप्त किया है। और अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर आता है न्यू हॉलैंड, जहां पर काली मिट्टी और कड़क मिट्टी है, वहां पर ज्यादातर किसान भाई यूज करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। और न्यू हॉलैंड कंपनी ने कुल मिलाकर 26,745 ट्रैक्टर को बेचा, और 6 नंबर पर रही ये ट्रैक्टर कंपनी। और दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर है जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी भी, कई सारे किसान भाई इसको पसंद करते हैं, खास करके लोडर वगैरह में भी ये ट्रैक्टर काफी यूज किए जाते हैं। जॉन डियर के 5105 वगैरह, जो भी छोटे किसान भी है तो जॉन डियर काफी पसंद किया जाता है। और जॉन डियर कंपनी ने कुल मिलाकर 68,322 ट्रैक्टर को बेचा भारत के अंदर, और ये ट्रैक्टर कंपनी भी नंबर 5 पर रही। और दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पर आती है एस्कॉर्ट के अंदर फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, डीजी ट्रैक, अल्ट ये ट्रैक्टर आते हैं, और एस्कॉर्ट 4 नंबर पर कुल मिला करके 82,252 ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर कंपनी ने बेचा, जो कि फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, डीजी ट्रैक, अल्ट वगैरह सब मिला करके ये सब एस्कॉर्ट के अंदर आते हैं, तो इसकी गिनती नंबर 4 पर की जाती है। और अब बात करते हैं नंबर 3। तो 3 पर आती है भारत के अंदर सोनालिका कंपनी ने भी अपने काफी अच्छे ट्रैक्टर बेच लिए, जो कि एस्कॉर्ट और सोनालिका के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने अपने थोड़े से ट्रैक्टर ज्यादा बेचे, तो इसलिए नंबर 3 पे आती है। सोनालिका ने कुल मिला करके 82,958 ट्रैक्टर को बेचा, और नंबर 3 पर रही ये ट्रैक्टर कंपनी। और अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर आता है टाफी यानी कि मैसी और आइसर की गिनती इन दोनों के अंदर की जाती है, और मैसी को ज्यादातर पसंद किया जाता है जहां पर रेतीले इलाके हैं, वहां पर ज्यादातर किसान भाई 1035 या 241 को पसंद करते हैं। और इसी तरह इस ट्रैक्टर कंपनी ने नंबर 2 पे 1,20,151 ट्रैक्टर बेच करके अपना दूसरा नंबर पाया है। और अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्वराज की गिनती भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर की जाती है, और 2020 के अंदर ही नहीं, पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर महिंद्रा टॉप पे रही है, जो कि कई सारे किसान भाई इसको पसंद करते हैं। और भारत के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर, जहां पर अमेरिका के अंदर ये ट्रैक्टर कंपनी अपना ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करती है, वहां पर भी नंबर 3 प्राप्त करती है। और इस ट्रैक्टर कंपनी ने नंबर 1 पर 2,91,901 ट्रैक्टर को बेच करके नंबर 1 पाया है, जो कि 2020 में 1/4/2019 से लेकर के 31
3 2020 तक गिनती की जाती है। तो इसी तरह नंबर वन पर रही ये। तो ये थी वो 10 कंपनियां जिन्होंने 2020 के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचे। और ये जो लॉकडाउन के बाद का है वो 2021 के अंदर स्टॉक गिनती किया जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। और ये था 2020 मार्च एंडिंग तक का। और दोस्तों आपके पास में कौन सा ट्रैक्टर है, आप कौन सी कंपनी को पसंद करते हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और ये जानकारी भी हर किसान के पास होना बहुत ही जरूरी होता है कि हम जो ट्रैक्टर कंपनी पसंद करते हैं उसकी रीसेल वैल्यू क्या है भारत के अंदर, उसे दूसरे किसान कितनी पसंद करते हैं, वो जानकारी हर किसान के पास होना जरूरी है, इसीलिए मैंने बताया। और दोस्तों हर ट्रैक्टर की सही खबर के लिए आप किसान ट्रैक्टर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हर ट्रैक्टर की सही खबर आपको मिलेगी बिना किसी बकवास के। तो वीडियो को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।